Hey guys, this is Mohammed Hawaii. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are safe and you all are doing good. I pray for all of you. May God bless you with good health, good wealth, everlasting happiness, peace for your personal life, your career, your studies, your family, and your future. Today we will game play gameplay. Uh, पांच गेम प्ले है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तबीयत अब तभ ठीक है थैंक्स फॉर लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू ऑल आई गॉट सेवरल मैसेजेस दैट सर आपकी तबीयत को तो क्या हुआ है आप लाइक यू टेक केयर इन ऑल सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू गेट दिस लव ऑफ यू ऑल दिस इज़ प्योरली ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माई थी तो आज भी हम गेम प्ले लेकर आए हैं जिसमें पाँच गेम हमने खेले हैं एंड आज के गेम प्ले में एक अच्छा मैसेज है जो आप लोगों को गेम के बीच में सुनने को मिलेगा एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों का नाम यूज़ करके सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज गेंस करने की कोशिश करते हैं आई डोंट माइंड इफ दे डू दैट, बट तरीका उनका कभी गलत होता है सो लेट स्टार्ट विद द गेम प्ले बिफोर वी स्टार्ट विद द गेम प्लेट यू नो मेरा एक फेसबुक ग्रुप है कैरम डिस्कबूल मिनी क्लिप मोहम्मद हवाई गेमिंग जिसके अंदर ट्वेल्व थाउजेंड प्लस मेम्बर्स है और एक से बढ़कर एक प्लेयर्स है एंड सारे लेजेंड्स अवेलेबल है वो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो कैरम के शौकीन लोग हैं वहाँ पर कैरम का बहुत सारा अपडेट्स आपको एंड बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपको वहाँ पर कैरम का मिलेगा और सेकेंडली हमारे फोर्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं आप लोग थोड़ा सा पुश कीजिए अपने फ्रेंड्स को फैमिली मेम्बर्स को सिबलिंग्स को दोस्तों को सोसाइटी में कॉलेज में क्लासेस में लोगों से चैनल को सब सब्सक्राइब करवाइए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स जैसे ही होंगे मैं यूट्यूब हिस्ट्री का कैरम पुल में यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा गिव अवे अनाउंस करूंगा दैट इज़ माई प्रोमिस एंड सिलेक्शन बहुत फेयरली होगा कॉमेंट पिका डॉट कॉम के थ्रू जैसा हमारे चैनल पर होता है देर विल बी नो पार्शल नो देर विल बी नो पार्शलिटी इट विल बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल सो नाव वी आर स्टार्टिंग विद द गेम प्ले पहला गेम कनेक्ट करते हैं एंड पहला गेम कनेक्ट हुआ है न्यूयॉर्क में अपोनेंट का नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा है सो so, हमारी ब्रेक है राइट साइड से ब्रेक करेंगे सिंपल ब्रेक है ब्रेक हेट हुई है लेफ्ट की पक पॉकेट हो चुकी है सिंपल पक जो पहले है वो खेलेंगे उसके बाद हमारा जो फेवरेट शॉट है इस पक को कट खेल के बंच को रिलीज करना जिसके अंदर कभी कभी दो पक भी पॉकेट हो जाते हैं ये आज नहीं हुए हैं पोजीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्वीन का रास्ता क्लियर है पहले हम क्वीन मारेंगे क्वीन जो है वो पॉकेट हो चुकी है अभी हमें बोर्ड कैसे फिनिश करना है देखिए इस पक को खेल के अपोनेंट की पक को हमने प्रेस किया ताकि हमारी पक रिलीज हो गई फ्री हो गई इस पक को सिंपल खेलेंगे उसके बाद अपोनेंट की फ्रेम पे जो हमारी पक है उसको कट मारेंगे कट मार के स्ट्राइगर देखते हैं शायद कोई पक से यहाँ की पोजिशन फ्री हो जाए कुछ हुआ नहीं है एक पक हमारी सामने जा रही है दूसरी पक को हमें नीचे लाना है वी विल ट्राई कि ये हमारे हैंड पे आ जाए ऊपर चली गई है कनेक्शन भी डिफिकल्ट है स्ट्राइगर की जगह कम है इनडायरेक्ट शॉट खेलेंगे रिटर्न खेलेंगे इन डायरेक्ट शॉट और ये पक पॉकेट हो चुकी है पहला गेम पूरा हो चुका है गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स सेकेंड गेम सेकेंड गेम कनेक्ट करते हैं एंड सेकेंड गेम कनेक्ट हुआ है सिंगापुर में अपोनेंट इज इम्तियाज भाई ब्रेक उनकी है सिंपल ब्रेक थी उन्होंने राइट right साइड से ब्रेक की लेफ्ट की पक उनकी पॉकेट हो चुकी है सिंपल पक है पहले वो खेल रहे हैं उसके बाद आई थिंक सो वो भी वही शॉट मारेंगे ब्रश ब्रश एंड उनकी दोनों पक पॉकेट हो चुकी है पोजीशन तो उनकी ठीक ठाक है शायद फिनिश मार सकते हैं वो लेट्स सी व्हाट विल ही डू ंफ्यूज होप यू ऑल आ गुड गाइज अपनी तबीयत का ध्यान रखना प्रिकॉशंस लेना वायरल बहुत चल रहा है टर्न उनका खत्म हो चुका है हमारा टर्न स्टार्ट हुआ है एंड हमको फिनिश मारना है हैंड की पग खेल लेंगे पहले तीन फंडा है हमारे जो पग का हमें कुछ काम नहीं होता है पहले हम उसको खेल के भीड़ को कम करते हैं खत्म करते हैं और वो पक्को हम छोड़ देते हैं जिससे हम बोट को फिनिश बना सकते हैं इस पक्का भी कोई काम नहीं था उसको भी हमने सिंपल खेल लिया उसके नीचे वाली पक्का का भी कोई काम नहीं है उसको भी हम सिंपल खेल लेंगे एंड अब जो है वो हैंड को खेल के थोड़ा सा स्ट्राइगर पुश करेंगे अब जो है वो हमने ये पक् को संभाल के रखा है इसका काम है इसको एज अ बॉम्ब यूज़ करेंगे देखिए बोर्ड फिनिश हो गया सिंपल थियोरी है गाइस भीड़ कम करो जिस पक का काम नहीं है चाहे वो दूर की है उसे पहले खेल लो ऐसी पक को बाकी रखना है आपको जिस पक से आप दूसरे पक्ष की पोजीशन लेकर बोर्ड को फिनिश कर सकते हैं जैसा कि हमने इस बोर्ड में किया है एंड आप लोगों ने देखा है दो गेम पूरे हो चुके हैं गाइस थर्ड गेम की तरफ चलते हैं थर्ड गेम कनेक्ट हुआ है सिंगापुर में अपोनेंट इज जावेद मंत्री आप लोग जानते होंगे इनको ब्रेक हमारी है ब्रेक डिफिकल्ट है इसलिए हम डिफेंसिव ब्रेक करेंगे हमने डिफेंसिव ब्रेक किया है लेकिन उनको एक पक मिल चुकी है जावेद भाई भी वर्ल्ड टॉपर है मैं और जावेद भाई ये दोनों लीडर बोर्ड पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हम लोगों ने किए हुए हैं एंड ही इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड टू मी अब जहाँ से भी इनकी अब जो मैसेज है जो कंसर्न है मेरा वो ये है कि अभी ये इनका टर्न आ गया है मेरा कंसर्न ये है कि अब अगर ये गेम ये गेम तो मैं जीत गया हूँ आप लोग देखोगे कि मैंने आ, कैसे फिनिश मारा है एंड अगर ये गेम अब ये जीते होते या कोई और यूट्यूबर जीता होता इन्होंने टर्न मिस कर दिया है पहले हमारा टर्न हम लोग देखते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अभी हमें इस बोर्ड को फिनिश मारना है इस पक को फास्ट खेलेंगे स्ट्राइगर हमने बीच में लाया है पोजीशन ठीक नहीं है इस पक्को को एज अ बॉम्ब खेलेंगे राइट पॉकेट में फास्ट पोजीशन थोड़ी सी रिलीज हुई है बट फिर भी हमारे पास कुछ खास खेलने को नहीं है बीच में एक कनेक्शन नजर आ रहा है इस हमारी ब्लैक पक से ये कनेक्शन हम बना सकते हैं देखिए ये कनेक्शन पोजीशन थोड़ी सी फ्री होती जा रही है ये फिनिश टफ है बट देखो आप लोग कैसे फिनिश करना है गेम की लाइन देखिए इस पक को खेल लेंगे सिंपल स्ट्राइगर फेंकेंगे सामने वो पग भी उठ चुकी है अभी वो दो जो पक है उसमें से एक पक को खेल के एक पक को ऊपर उठाएंगे वो वहीं रह गई है वो पक काम आएगी एज अ बॉम्ब अब उसको हम फास्ट कट मारेंगे एंड स्ट्राइगर जो है वो बंच पे लाएंगे क्वीन फ्री हो चुकी है से जो ब्लैक पक हमारी फंसी हुई है वो भी रिलीज हो जाएगी वो रिलीज हो चुकी है हैंड एज अ कवर और उस पक को जो है वो राइट पॉकेट में लेफ्ट पॉकेट में पॉकेट करने की कोशिश करेंगे ये गेम अगर अब ये जीत गए होते हैं जैसे कि ये जीतते हैं बीच बीच में हमारी वर्ल्ड की आईडी से कोई गेम तो फिर आप इनका थम नेल देखते हैं आ जाओ फिर से आ जाओ टाइगर आ रहा है तो आई मीन टू से तीन गेम पूरे हो चुके हैं फोर्थ गेम की तरफ चलते हैं गेम कनेक्ट करते हैं एंड फोर्थ गेम कनेक्ट हुआ है सिंगापुर में अब्दुल अजीज ये भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं एंड बहुत एक्सपर्ट प्लेयर है बहुत चांद प्लेयर है आज जो है वो दो लेजेंड्स के साथ गेम लगा है जावेद मंथ्री एंड अब्दुल अजीज तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये गेम इनकी टीम वाले या ये जीते होते तो आप थम नील पड़ते फिर से आ जाओ भले वो सात गेम का वीडियो होता उसमें मेरा एक गेम होता लेकिन लेकिन थम नेल में अ, मेरी फ़ोटो होती थम नेल में होता जावेद मंत्री और लायन का फ़ोटो वॉसिस मोहम्मद हवाई फिर से आ जाओ आ जाओ या कुछ भी यू कैन चेक इट एवरीवेयर बहुत सारे चैनल्स पर मेरे टीम वालों की के साथ भी अगर मैच लगता है तो फोटो मेरा लगता है कि ब्रैकेट में लिखा रहेगा राजिग राजिक लिखा रहेगा ब्रैकेट में लिखा रहेगा हवाई अरे मेरा गेम भी नहीं है बट यू पीपल आर यूजिंग माई फोटो एंड यू आर यूजिंग माई नेम टू रेज योर सब्सक्राइबर्स तो दिस इज सच लाइक ब्लेसिंग फॉर मी के आई रियलाइज uh, के मैं कितना बड़ा जो है वो सेलिब्रिटी uh, हूँ इन लोगों के लिए एंड दे आर ओनली मेकिंग मी मोर फेमस एंड हमारे चैनल पे आप देखना ये आज के गेम में अब्दुल अजीज़ भी हैं एंड जावेद भाई के साथ का भी गेम है बट हमारे थंबनेल पर ना जावेद भाई का नाम है ना अब्दुल अजीज़ का नाम है क्योंकि किसी को मैंने हराया करके उसका नाम लेकर उसको मैं क्रिटिसाइज़ करके क्रिटिसाइज करना पसंद नहीं करता या उसको मैंने हराया करके उसको डाउन करना नहीं चाहता हर एक प्लेयर अच्छा है ये गेम है जिसको पोजीशन मिलती है वो जीतता है जिसको पोजीशन नहीं मिलती वो हार जाता है सो आई मीन टू से रिस्पेक्ट एवरी वन गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो यू ग्रो विथ योर टैलेंट आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़ो लोगों के कंधे पे, पे पैर रख के आगे मत बढ़ो चार गेम पूरे हो चुके हैं गाइस गेम कनेक्ट करते हैं एंड फिफ्थ गेम कनेक्ट हुआ है सिंगापुर में अपोनेंट इज रिफाद एंड ब्रेक हमारी है लेफ्ट साइड से ब्रेक मारेंगे सिंपल ब्रेक है राइट साइड की पक पॉकेट हो चुकी है लोग समझते नहीं हैं एक चैनल है मैं नाम नहीं लूँगा वो आई थिंक सो अपने आप को इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो समझते हैं उन्हें जहाँ भी मौका मिल गया अगर तो हवाई टीम एंड हवाई लुलू टीम एंड uh, uh, मैं तो फेयर गेम प्ले करता हूँ मैं लुलू के अगेंस्ट वॉर करता हूँ एंड इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड उनको क्या लगता है कि ऐसा करने से उनका चैनल जो है वो ज़्यादा ग्रो हो जाएगा कट देखना गाइस क्वीन का देखिए ये ब्रेक टू फिनिश हो चुका है लेकिन एक्चुअली किसी को नीचा गिरा कर किसी को नीचा दिखा कर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते तो मेरा मैसेज ये है कि लोगों की रिस्पेक्ट करो लोगों को रिस्पेक्ट दो लोगों को मान सम्मान दो ऊपर वाला आपको रिस्पेक्ट देगा लोगों के लिए अच्छा सोचो ऊपर वाला आपके लिए अच्छा सोचेगा माई फंडाइज गिव रिस्पेक्ट एंड गॉड विल ब्लेस यू रिस्पेक्ट एंड सक्सेस तुम सोचोगे कि मैं हम हम लोगों का नाम यूज़ करके या उसको नीचा दिखा के या उसको क्रिटिसाइज़ करके हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आई कैन चैलेंज बिकॉज ये कर्मा का लॉ है आई कैन चैलेंज कि वो चैनल कभी ग्रो नहीं हो सकता और वो चैनल पे डाउनफॉल आएगा ही आएगा क्योंकि सारा मामला मन का और दिमाग का है दिल खुला होना चाहिए दिमाग खुला होना चाहिए लोगों से प्यार करो लोगों को रिस्पेक्ट दो एंड लव एवरी वन एंड गेट लव फ्रॉम एवरी वन थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ आई होप यू लाइक माई वीडियो थैंक्स फॉर लविंग मी सपोर्टिंग मी लाइकिंग मी फोटी के सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं कम्युनिटी को सबसे बड़ा कम्युनिटी बनाना है एंड दूसरे प्लान्स हमारे चल रहे हैं चैनल को लेकर आगे क्या करना है मिनी क्लिप के साथ हमारा टाइप चल रहा है मिनी क्लिप से हमें मेल आया हुआ है प्रे फॉर मी कि हमारा टाइप मिनी क्लिप के साथ हो जाए अगर हमारा कोलैबोरेशन होता है तो हमारे चैनल पर मिनी क्लिप भी हमारे साथ होगा एंड बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा अर्ली एक्सेस मिलेगा बहुत सारी चीज़ें मिलेगी बहुत सारी प्रीमियम चीज़ें जो है वो आपको वक्त से पहले पता चलेगी सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट थैंक यू वेरी मच कीप लविंग कीप सपोर्टिंग चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लव यू ऑल टेक केयर एंड बाय